हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटर साइंस। देखो, हमने पिछले वीडियो में जो थ्री टाइप्स के रेडिएशन होते हैं, जैसे अल्फा, बीटा और गामा, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशन, इसके बारे में डिस्कस किया था। एंड इन टूडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज, मतलब उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, कौन से नेचर के होते हैं, उसका मास कितना होता है, ये पूरा हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है, ओके? तो स्टार्ट करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक के साथ। कैरेक्टर मतलब प्रॉपर्टीज, ओके? फर्स्ट वन इज द नेचर। नेचर कैसा होता है? दिस वन इज द दिस आर द सिंबल ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज, ओके? अभी पहले हम देखते हैं नेचर कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ओके? दिस वन इज द करंट ऑफ अल्फा पार्टिकल। अभी देखो, ये रेज के रेडिएशन के फॉर्म में होते हैं ना, तो ये पार्टिकल्स है अल्फा के। अगर एक पार्टिकल हमने लिया तो उसके पास है टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन, दैट मीन्स सिमिलर टू न्यूक्लियस ऑफ हेलियम, क्योंकि हेलियम के पास देखो टू प्रोटॉन और टू क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल का एक अगर हमने पार्टिकल लिया तो उसके पास भी टू प्रोटॉन और टू न्यूट्रॉन होते हैं, जस्ट लाइक अ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। और बीटा पार्टिकल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, विच हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होता है। और जो गामा रेज होते हैं, दिस वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होता है, ओके? देन मास मतलब कितना हेवी होता है। तो देखो, दिस अल्फा पार्टिकल, अभी मास कितना होता है प्रोटॉन का पहले हम देखते हैं, क्योंकि हम इन रिलेशन देखेंगे, हम प्रोटॉन से रिलेशन लेके हम इसका मास देखने वाले हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.0076 डाल्टन, ओके? तो अभी इसके पास, अल्फा पार्टिकल के पास कितने प्रोटॉन है, टू प्रोटॉन और टू न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन का मास कितना है, 1.0076 डाल्टन, और न्यूट्रॉन का ये कितना है, मास कितना है, 1.0090 डाल्टन। तो टोटल मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज अप्रोक्सीमेटली 4 डाल्टन, ओके? देन बीटा पार्टिकल के पास देखो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन कितना होता है, मास अबाउट 1/2000 ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन से 2000 टाइम्स लेस देन होता है इलेक्ट्रॉन का मास। मतलब बीटा पार्टिकल का मास कितना होता है, 0.00548 डाल्टन होता है। और गामा पार्टिकल के पास तो कुछ भी नहीं होता ना, दैट मीन्स देयर इज नो मास, दिस वन इज मासलेस, ओके? तो ये ख्याल में रखना। थर्ड वन इज चार्ज। चार्ज कौन सा होता है, ओके? तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर देखो टू प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज है, ओके? बीटा पार्टिकल के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। और गामा पार्टिकल के पास तो प्रोटॉन ही नहीं है और इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो दिस वन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ओके? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेलोसिटी। अब अल्फा, बीटा और गामा जो रेडिएशन होती है, इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी नो दैट अबाउट द वेलोसिटी ऑफ लाइट, कितनी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, 33 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ख्याल में रखना है, फिक्स होती है। तो इन कंपैरिजन टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल देखो कितनी होती है, 1/5 to 1/20 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब इससे कम होती है, मतलब लेस देन दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। बीटा की कितनी होती है, 1/5 to 9 to 10 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब नियर अबाउट सेम होती है, नियर टू सेम नहीं तो आसपास होती है, नियर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, ओके? और गामा की सेम होती है एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब जो गामा रेडिएशन होते हैं, रेज होते हैं, उनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट और गामा रेडिएशन की वेलोसिटी सेम होती है। उसके बाद डेविएशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने कल एक्सपेरिमेंट देखा था उसके ऊपर से हम इसका डेविएशन देखते हैं। जैसे इफ वी पुट द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन बॉक्स, देन मैग्नेटिक फील्ड के हमने फील्ड तैयार किया था। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या,
इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है ना, उसको ही मैग्नेटिक फील्ड तैयार की, मैग्नेटिक भी बोला जाता है। उसके लिए हमने दो प्लेट्स ली थी, एक को हमने निगेटिव प्लेट बोला था, दूसरे इसको हमने पॉजिटिव प्लेट बोला था। तो क्या होता है, दिस अल्फा रेज या अल्फा रेडिएशन डेविएट्स टूवर्ड द निगेटिव प्लेट। दैट मीन्स अभी इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इसी वजह से दिस अल्फा रेडिएशन डेविएट टूवर्ड द निगेटिव प्लेट, क्योंकि अपोजिट चार्ज के तरफ की क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। देन अभी बीटा जो होते हैं रेडिएशन, ये क्या होते हैं, दिस बीटा रेडिएशन डेविएट टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज बीटा पार्टिकल है कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। अभी गामा रेस के ऊपर, मतलब गामा पार्टिकल के ऊपर तो कुछ चार्ज ही नहीं होता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, सो दिस वन देयर इज नो डेविएशन, ये डेविएशन ही नहीं करेगा, मतलब ये स्ट्रेट जाता है। ओके अभी पेनेट्रेटिंग पावर, मतलब ट्रांसफर होने का पावर कितना होता है, तो चलो अभी इफ वी टेक द अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ दिस रेडियोएक्टिव एलिमेंट, तो अल्फा पार्टिकल कैन पेनेट्रेट एन एल्यूमिनियम शीट। हमने एल्यूमिनियम शीट ली जिसकी थिकनेस देखो कितनी है, लेस देन दैट ऑफ 0.2 मीटर है, 0.02 मीटर, सॉरी मिलीमीटर है। ओके तो इसमें से क्या होगी, वो पेनेट्रेट होगी, ट्रांसफर होगी। उसके बाद देन बीटा पार्टिकल कैन पेनेट्रेट एन एल्यूमिनियम शीट, लेकिन उसकी थिकनेस देखो अब ज्यादा है, थिकनेस 2 मिलीमीटर है, लेकिन गामा पार्टिकल जो है ना, इट कैन पेनेट्रेट थ्रू 15 सेंटीमीटर थिक ऑफ लीड स्क्रीन, मतलब लीड बॉक्स अगर हमने ले लिया ना, उसमें से क्या होता है, वो पेनेट्रेट होता है। मतलब किसका पेनेट्रेटिंग पावर ज्यादा है, दैट इज द गामा रेज या गामा रेडिएशन का पेनेट्रेटिंग पावर ज्यादा है देन दैट ऑफ द अल्फा एंड बीटा पार्टिकल। ओके उसके बाद है आयोनाइजेशन पावर। अब आयोनाइजेशन पावर मतलब क्या, एनर्जी नीड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना, उसको आयनाइजेशन पावर बोला जाता है। तो किसके पास ज्यादा है वो हम देखते हैं। चलो व्हेन अल्फा बीटा एंड गामा रेज कोलाइड ऑन द एटम, सपोज हमने एटम लिया और जो देखो ये अल्फा है, ये बीटा पार्टिकल है और ये गामा रेज है, अगर ये क्या किए, कोलाइड किए, तो ये क्या करेंगे, इट रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम एंड टू फॉर्म्स द आयन। ओके तो किसका आयोनाइजेशन पावर ज्यादा है, तो अल्फा पार्टिकल हैव ग्रेट आयोनाइजेशन पावर, मतलब लार्ज आयोनाइजेशन पावर है, एंड दैट्स व्हाई इट कॉज द सीरियस डैमेज इफ गेट एंटर थ्रू द बॉडी, हमारे बॉडी में अगर ये चला गया ना, तो हमारे बॉडी को डैमेज भी कर सकता है, बिकॉज इट अल्फा पार्टिकल हैव लार्ज आयोनाइजेशन पावर वेरी हाई। ओके देन बीटा को, जो बीटा पार्टिकल का जो आयोनाइजेशन पावर है वो लो है और गामा का उससे भी लो है। ओके उसके बाद है पावर ऑफ प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, मतलब जो विजिबल या इनविजिबल लाइट होता है ना, रेडिएशन फॉर्म करने का पावर, तो किसके पास है। चलो इफ वी टेक दिस जिंक सल्फेट कोटेड प्लेट और उसके ऊपर हमने क्या किया, इसके रेडिएशन फॉर्म किए। ओके अल्फा के किए, बीटा पार्टिकल भी किए और गामा रेज के भी किए, तो देखो ज्यादा फ्लोरोसेंस मतलब लाइट को हम प्रोड्यूस कर रहा है अल्फा पार्टिकल, मतलब हम बोलेंगे कि अल्फा पार्टिकल हैव वेरी हाई पावर टू प्रोड्यूस द फ्लोरोसेंस देन दैट ऑफ द बीटा, बीटा का लो है, वेरी लो है, तो गामा जो पार्टिकल है उसका पावर ऑफ फ्लोरोसेंस बहुत कम है। ओके अभी इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप। अभी आइसोटोप्स मतलब क्या और कौन से एलिमेंट का कहाँ यूज किया जाता है, ये तो मैंने अभी बताया कि कुछ क्या है, हार्मफुल है, हमारे बॉडी को इंज्योर भी कर सकते हैं, ओके सीरियस डैमेज भी कर सकते हैं, लेकिन इनका यूज मेडिकल साइंस में किया जाता है और कहाँ किया जाता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।